तो आज की रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे करीब 500 ग्राम ग्वार फली ली थी, जिसको मैंने मीडियम साइज में काट के एक से डेढ़ ग्लास पानी डाल के आधा चम्मच नमक डाल के करीब 5 मिनट के लिए इसको मैंने बॉईल कर लिया है। तो इसको मैं एक जालीदार बर्तन में निकाल लूंगी और थोड़ी देर के लिए इसको हम ठंडा होने देंगे। तो ग्वार फली पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, इसके अंदर हम डालेंगे करीब 4 से 5 बड़े चम्मच मैंने बेसन लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके बेसन डाल देंगे। साथ में डालेंगे यहाँ पे ग्रेट किया हुआ कच्चा प्याज लिया है, वो भी इसमें मिक्स करेंगे। थोड़े से मसाले, तो हल्दी पाउडर जाएगा, लाल मिर्च का पाउडर, इसी के साथ में धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक जाएगा और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बेसन और सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, इसके अंदर हम डाल देंगे करीब 1 बड़ा चम्मच लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट, इसको भी हम मिक्स कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे बढ़िया सी कोटिंग हो चुकी है, इसको हम आगे बनाना शुरू करते हैं। तो तेल को हमने गरम कर लिया है, 1 चम्मच जीरा डाल लेंगे, थोड़ी सी इसमें हींग जाएगी और जो हमने यहाँ पे ग्वारफली रखी है कोटिंग करके, वो भी हम इसमें धीमे धीमे करके पैन में चारों तरफ से डाल देंगे। तो ग्वारफली तेल में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, इसी तरह से हम करीब 2 से 3 मिनट के लिए खुली आँच पर मीडियम फ्लेम पर इसको हम उलटते पलटते रहेंगे, जिससे बेसन अच्छी तरह से पक जाए और इसका टेस्ट भी खाने में बहुत ही अमेजिंग आएगा। तो आज की हमारी ग्वार फली की बिल्कुल नई तरह की रेसिपी है, जो आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। तो बेसन से सौंधी सौंधी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, सब्जी यहाँ पे हमारी बनके तैयार है। तो थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम कटाई हुई हरी धनिया और 1 चम्मच रोस्टेड तिल डाल देंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने बिल्कुल नई तरह की घर के सिंपल मसालों से बेसन की और ग्वारफली की सब्जी बनाई है, इतनी टेस्टी है कि आप 2 की जगह 4 रोटी खा जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, ये सब्जी आप सबको बेहद पसंद आएगी।